सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ने हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 से शब्द विचार पढ़ा था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को शब्द कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के 4 भेद होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, पहला मूल या ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग ऋण शब्द। इसके बाद बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे, आशा करती हूँ आप उसे भी ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी पार्ट के आगे के भाग को आज हम शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा में स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, 4 विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के अपने मूल रूप में आए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे जीवा, पक्षी आदि। 2. तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे जीव, पक्षी आदि। बच्चों नीचे कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, तत्सम और तद्भव। कार्य, काम, अग्नि, आग, मुख, मुंह, सप्त, सात, हस्त, हाथ, हस्ती, हाथी, पद, पांव या पैर, चंद्र, चांद, चंद्रमा, ग्रह, घर, ग्राम, गांव, दुग्ध, दूध, दधी, दही, आम, आम, शीर, सिर, उष्ट, ऊंट, सत्य, सच, सांप, सर्प, धूम, धुआं, शीर, खीर, दश, दस इत्यादि। 3. देशज शब्द, जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, चुन्नी, खटिया, लोटा आदि। 4. विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है, जैसे पेन,
कार, बैंक, डॉक्टर, वकील आदि। घ, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दभेद। वाक्यों में शब्दों के व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला, विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। दूसरा है अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्ययभी कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, हम लोगों ने आज पढ़ा हिंदी व्याकरण से पाठ 3 शब्द विचार। अब बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो पहले पाठ में हमने आपको बताया था वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। सार्थक शब्द के चार प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। हमने पढ़ा था आज स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य 2 रूप से 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिक बोधक। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना है और समझा होगा। हम लोग जैसा कि अगले भाग में या अगले पाठ में पुनः नए पाठ के साथ उपस्थित होते हैं। आशा करती हूँ इस पाठ को आप लोग अच्छे से दोहराइएगा, समझिएगा। और बच्चों, जैसा कि अपने स्कूल के वेबसाइट में मैंने इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर कार्ड दिया है, उसे आप लोग अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखिएगा। आगे के पार्ट को भी, जैसा कि पार्ट 1, पार्ट 2 का कार्य भी आप लोगों ने शायद कॉपी में अच्छे से किया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया, उसे आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर से करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का पाठ हम यहीं से समाप्त करते हैं। पुनः दूसरे भाग में या दूसरे पार्ट में हम नए चैप्टर के साथ, नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।